खबर बैकुंठपुर कोरिया से है, जहां जिला मुख्यालय में इन दिनों पशु आहार मिल्कियाना दाना खिलाने से जानवरों में फूड पॉइजनिंग की बीमारी हो रही है। लगातार बीमारी जानवरों में तेजी से फैल चुकी है। जानवर बीमार होने से लोगों में काफी आर्थिक क्षति पहुंच रही है। आपको बता दें, जानवरों ने खाना पीना बंद कर दिया है। लोगों ने बताया कि मिल्कियाना दाने में काफी मात्रा में प्रोटीन बढ़ गई है, जिससे जानवरों में बीमारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश समिति सदस्य रेवा यादव ने मिल्कियाना पशु आहार को लेकर के घोर निंदा की है और कहा कि जानवरों में हो रही बीमारी का इलाज करवाया जाए, जो भी आर्थिक क्षति लोगों को पहुंची है उसकी भरपाई की जाए। देखिए पूरी रिपोर्ट। दस्त नहीं हो रहा है तो पेट हल्का फूला फूला है, प्लस खाना नहीं खा रहे हैं एक भी जानवर, इससे आपका आर्थिक स्थिति काफी हमारा बहुत इससे कमजोर हो गया। हम कितने दिन के लिए टूट गए, मान लीजिए हम पर डे का हमारा 4,000 रुपया खर्च है पशु आहार का, भूसा का, अब हम उसको कहाँ से भरपाई करेंगे? और भूसा हमको डेली देना पड़ रहा है, खाया ना खाए निकाल के हम डेली फेंक रहे हैं, तो उसे हमारा 4,000 का डेली नुकसान हो रहा है, प्लस इधर 5,000 का दूध हमारा पूरा नुकसान चला गया, तो इसे हमारा 8-9 हज़ार रुपये। पूरे गांव के जितने भी पशुपालक हैं, 31 तारीख को कामधेनु जो पशु आहार एजेंसी बैकुंठपुर में है, वहाँ से हम लोग मिल्कियाना का दाना लेके आए, और जो 31 तारीख को मिल्कियाना 6,000 का जो पशु आहार हम लोग सभी जानवरों को खिलाए, उस दाना को खिलाने से हमारे पूरे गांव में और जितने पशुपालक उस दाना को खिलाए, सभी जानवरों को फूड पॉइजनिंग हुआ, और फूड पॉइजनिंग होने की वजह से हमारे सभी जानवरों को बीमारी हो गया और सब लोग बीमार हो गए। और इसकी सूचना जब हम लोग कामधेनु एजेंसी को अपन जानकारी दिए, हमारे पूरे गांव के पशुपालक 10-15 लोग गए, उनको जानकारी दिए, तो अपने कंपनी से बात किए और कंपनी वाला स्वीकार भी किया कि हमारे दाना में इस बार प्रोटीन का मात्रा या और कुछ बात हुआ कि बढ़ गया है, इसके वजह से जहां जहां भी हम लोग इस दाना को खिलाए सभी जगह जानवरों को फूड पॉइजनिंग हुआ है। और वो जो कंपनी वाले हैं वो स्वीकार भी किए कि आप लोग जो भी इलाज में खर्च आता है या जो आप लोग का आर्थिक क्षति हुई है उसको हम लोग भरपाई करेंगे। तो हम लोग फिर जो अपने कामधेनु पशु आहार के संचालक हैं साहू जी, वो वेटनरी डिपार्टमेंट के हमारे जिला अस्पताल के डॉक्टरों से बात किया और जिला अस्पताल के हमारे सभी डॉक्टरों का टीम आया और अभी इलाज जारी है, लेकिन हमारे जानवरों का स्थिति बहुत ही खराब है। और जो जानवर हम लोग का 15-14 लीटर दूध देती थी, वो जानवर 0.5 लीटर 1 लीटर में आ गई है और खाना तो बिल्कुल सभी जानवरों का बंद हो गया है। मैं तो यही बताना चाहूँगा ये मिल्कियाना कंपनी वाले को कि आज के इस कलयुग में जानवर गाय और भैंस गरीब लोग पालते हैं, गांव के लोग पालते हैं, इसलिए उनको कुछ भी दाना में जहर माहौर डाल के दे दिया जाए, क्योंकि गरीबों का ध्यान कौन देता है, और आजकल कुत्ता रहीस लोग पालते हैं, इसलिए गरीबों को आर्थिक स्थिति जो खराब हो रहा है, जिनका रोजी रोटी उसी पे डिपेंड था, आज वो कहीं के नहीं रहेगा, उनका कमर टूट गया है। इसकी वजह से कितने गांवों के जानवर में बीमारी फैली हुई है? हमारे यहाँ खुद 70-80 जानवर अभी आके मैं यहाँ पे देखा हूँ, मुझे शाम को ही जैसे ही सूचना मिली है वैसे ही मैंने यहाँ पे आके विजिट किया है, तो कोई भी संक्रामक बीमारी इनमें नहीं है। जो इन लोगों का जो हिस्ट्री लेने पर जानवरों का ये पता चला कि जो इन्होंने 31 तारीख को मिल्कियाना का दाना खिलाया है उसके कारण प्रॉब्लम हुई है, जिनको ज़्यादा मात्रा में दाना हो गया उनको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जिनको थोड़ा कम मात्रा में दिया गया है उनको कम प्रॉब्लम है, तो उनका सबका ट्रीटमेंट जारी है। हम लोग पूरी टीम के साथ अपना काम कर रहे हैं और सुबह कल फिर सुबह करेंगे, और जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक ये कार्ड जारी रहेगा। T1 इंडिया न्यूज़ के लिए बैकुंठपुर कोरिया से कमलेश एक्का की रिपोर्ट।